Find the general and singular solution of the differential equation. So the given equation is y is equals to px plus under root of b square plus a square plus p square. Y is equals to px plus f of p. तो क्या हुआ इसमें a square और b square, a और b तो constant है. So अब this is the Clairaut's form जो कि English में लिखा हुआ है. So its general solution इसका क्या होगा? जहाँ जहाँ p है वहाँ c रख दीजिए, बस general solution आ जाएगा. सो p की जगह c रख दिया हमने, तो ये जनरल सोल्यूशन आ गया. नाउ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू c, ठीक है. c के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब, तो क्या आएगा देखिए, ये ज़ीरो हो जाएगा. पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो c के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ टू रूट एक्स प्लस जो भी लिखा है, और ये ए स्क्वायर टू सी बचेगा यहाँ पे, ठीक है. पार्शियली डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया हमने, तब ये आया. नाउ अब हमें दिख रहा है कि सी हम लोग निकाल लेंगे, सी यहाँ से निकालेंगे, सी स्क्वायर इतना, तो सी इज इक्वल टू इतना हो गया. ओके, एलिमिनेटिंग सी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ये सेकेंड है हमारे पास, ये फर्स्ट है हमारे पास. इन दोनों को सॉल्व करके सी की वैल्यू, मान लीजिए जो हम लोग सी की वैल्यू निकाला है हमने, वो उठा के यहाँ रख देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है. सो जो फाइनल सोल्यूशन हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, y इज इक्वल्स टू, मतलब c की वैल्यू रखेंगे तो जो भी बनेगा कुछ ऐसा बनेगा इसमें. ओके, अब इसको हम लोग जो फाइनली सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, अंदर स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व करेंगे और बाहर भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो भी सॉल्व करने वाला है, ठीक है. तो फाइनली हमारे पास y इज इक्वल्स टू इतना आ जाएगा. ओके, और y इज इक्वल्स टू इतना बन जाएगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. तो यही है हमारा क्या, सिंगुलर सोल्यूशन. ओके, सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड करने का ये भी एक मिसलिनियस तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है. सो सिंगुलर सोल्यूशन इसकी इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ ऑल अबाउट सिंगुलर सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये और आ भी चुका है बहुत बार. इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी 2004 एंड 2010 के बैक पेपर में आ चुका है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड यू कैन जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन.